हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल क्रिकेट ट्यूटोरियल पे। क्या आपको पता है भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है? उम्मीद करते हैं ये पता होगा। हिमालय भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन सवाल ये है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अगर आपको नहीं पता है तो कृपया करके ये पूरा फुल वीडियो देखिए, हम आपको बताएंगे कि भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है और उसके तमाम विविधताओं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए समझते हैं भारत का दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला के बारे में, जिसका नाम है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, या इसी को बोलते हैं सह्याद्री पर्वत। दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी या सह्याद्री पर्वत है। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो आप कहेंगे दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। इसका लंबाई 1600 किलोमीटर में है। तो आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी या सह्याद्री पर्वत। तो स्टार्ट करते हैं। सह्याद्री पर्वत का विस्तार तापी नदी के मुहाने से लेकर के, यहाँ तापी नदी है, ये तापी नदी के मुहाने से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इसका लंबाई कुल मिला के 1600 किलोमीटर है। वैसे हिमालय की बात करें तो हिमालय का कुल लंबाई 2500 किलोमीटर में है और इसका मैक्सिमम लंबाई जो है नेपाल में पड़ जाता है। लेकिन भारत के अंतर्गत आने वाला सबसे लंबा पर्वत और भारत में स्थित सह्याद्री पर्वत है। दूसरा बात, सह्याद्री पर्वत में कुछ ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक चोटी है कलसुबाई चोटी, उसके नीचे चोटी है महाबलेश्वर चोटी। कलसुबाई और महाबलेश्वर ये दोनों के दोनों चोटियाँ महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं और ये सह्याद्री पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। और महाराष्ट्र के बाद दो चोटियाँ और है कर्नाटक में, एक है कुद्रेमुख चोटी और उसके बाद ब्रह्मगिरी चोटी। तो ये दो चोटियाँ जो हैं कर्नाटक में पाई जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये चोटियों को हमने इस तरीके से दर्शाया है, इस तरीके से त्रिभुज आकार का, तो ये चोटियाँ हैं। अब इन चोटियों से दो चोटी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे महाबलेश्वर चोटी, यहाँ से एक नदी निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी, आपसे पूछा जाएगी कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, आप कहेंगे महाबलेश्वर चोटी से, ठीक है। और महाबलेश्वर चोटी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। दूसरा है ब्रह्मगिरी चोटी, तो ब्रह्मगिरी चोटी से भी एक नदी निकलती है, दक्षिण भारत का गंगा उसको बोलते हैं और इसका मूल नाम जो है कावेरी नदी है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ब्रह्मगिरी चोटी, ठीक है। तो आइए समझते हैं आगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। इधर पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और भारत के पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी बोलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और इधर पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी आप देखेंगे बिल्कुल सीधा है, सीधा गया है, टूटा फूटा नहीं है, जबकि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी काफी हद तक टूटा फूटा है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी आगे चल के पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी से जुड़ जाता है, एक पर्वतीय गांठ से ये जुड़ जाता है और इस पर्वतीय गांठ को हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जोड़ने वाला पहाड़ी को हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत का विस्तार भारत के तीन राज्यों में, भारत के तीन राज्य, और तीन राज्य कौन कौन से हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को जोड़ने वाला पर्वतीय गांठ जिसको हम नीलगिरी पर्वत बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत तीन राज्यों में विस्तृत है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा है। यहाँ आप देखेंगे एक चोटी है इसके ऊपर सबसे ऊंचा चोटी, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अनाईमुदी चोटी। अनाईमुदी चोटी उससे भी दक्षिण में है और दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन है, डोडा बेटा, और ये किसका हिस्सा है, नीलगिरी पर्वत का। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा। नेक्स्ट पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को मिलाने वाला इस पर्वतीय गांठ पर एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल
पाया जाता है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी या इसको स्थानीय नाम दिया गया उत्कल मंडलम। तो ऊटी का आपने सीन देखा होगा, राज पिक्चर जो है बिपाशा बसु का, तो उसमें आप ऊटी का सीन देख सकते हैं। तो ये प्रसिद्ध पर्यटक स्थल इसी नीलगिरी पर्वत के ऊपर है। ठीक है, अगर आपको कभी मौका मिलता है दक्षिण भारत जाने का तो इस ऊटी को जरूर देखिए, बहुत काफ़ी सुंदर रोचक दृश्य है। यहाँ केरल का प्रसिद्ध साइलेंट वैली इसी नीलगिरी पर्वत के अंतर्गत आता है। साइलेंट वैली अपने जैव विविधता और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इस साइलेंट वैली में जो वन पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की जो वनस्पतियाँ होती है साल भर हरी भरी होती हैं और बहुत काफ़ी लंबी लंबी होती हैं। इसके पत्ते चौड़े चौड़े होते हैं, तो जब ये वनस्पतियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं तो इनके साथ में बहुत काफ़ी मात्रा में लताएं पाई जाती हैं, और पेड़ों को किनारे बांधे बांधे ये लताएं ऊपर तक पहुंच जाती हैं और उसके बाद ऊपर से उसको घेर लेती हैं पूरा पूरा। यही कारण है कि सूरज का रोशनी इस साइलेंट वैली में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो आप अगर दिन के समय में भी जाते हैं इसके अंदर तो धूप जो है नीचे नहीं आ पाता है। तो ये पूरा का पूरा जो इलाका है एक शांत इलाका है, इसको हम शांत घाटी के नाम से या साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक और पर्वतीय गांठ है जिसको अनाई मुदी पर्वतीय गांठ के नाम से जानते हैं। ये अनाई मुदी पर्वतीय गांठ के दक्षिण में आएंगे तो एक पर्वतीय गैप है, पर्वतों के बीच में एक गैपिंग है जिसको हम पालघाट दर्रा के नाम से जानते हैं, या स्थानीय लोग इसको पलकाड़ गैप भी बोलते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी या सह्याद्री पर्वत का विस्तृत विवरण है। साथ ही आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में तीन पहाड़ियां हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में ये तीन पहाड़ियां, एक यहाँ पर है ये बरदा पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है मांडवी पहाड़ी और एक है गीर पहाड़ी। गीर, बरदा और मांडवी, ये तीनों पहाड़ियां गुजरात के सौराष्ट्र में है। ये गिर पहाड़ी पूरे एशिया में सबसे अधिक फेमस इस बात के लिए है क्योंकि यहाँ पर एशियाई शेर, या इसको बबर शेर बोलते हैं, तो एशियाई शेर के लिए बहुत काफ़ी विख्यात है। यही गिर पहाड़ी के अंतर्गत एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, हम आपको इसमें पढ़ के बताते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तापी नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है और इसका लंबाई 1600 किलोमीटर में है। हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है ये, और पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जानते हैं। अगला है पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में तीन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसका जिक्र हमने किया, मांडवी, बरदा और गिर पहाड़ी। नेक्स्ट है कलसुबाई के पश्चिम में महाबलेश्वर चोटी है। साथ ही साथ एक पॉइंट छूट गया है, उत्तरी सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई महाराष्ट्र में है। ये उत्तरी सह्याद्री पर्वत के उत्तरी चोटी जो है ये कलसुबाई है, और कलसुबाई के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी है, और इसी महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकल के अपने पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल के खाड़ी में अपना जल गिराती है। कर्नाटक में दो चोटियाँ हैं, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी है। यहाँ पर हमने जिसका जिक्र किया, एक कुद्रेमुख और एक ब्रह्मगिरी। नेक्स्ट है कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी चोटी से निकल करके और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में ये प्रवेश करती है, ये कावेरी नदी था, और ये ब्रह्मगिरी से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य से होते हुए गिर जाती है। तो दो राज्यों में ये प्रवाहित होती है। दक्षिण में जाकर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिल करके एक पर्वतीय गांठ का निर्माण करती है और इसे हम नीलगिरी पर्वत बोलते हैं जिसका हमने जिक्र किया, ये नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में है, तीन राज्यों में। नेक्स्ट है नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी दोदा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उत्कल मंडलम तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। ध्यान रखिएगा ऊटी जो है तमिलनाडु में पड़ता है, तीन राज्यों में इसका विस्तार है नीलगिरी पर्वत का, और ऊटी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो बहुत काफ़ी प्रसिद्ध ये एक पर्यटक स्थल है। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन साइलेंट वैली जिसका नाम है,
तो ये साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। और साइलेंट वैली अपने जैव विविधता और घने जंगल के लिए बहुत काफ़ी जाना जाता है, विख्यात है। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक गैप है जिसको हम पालघाट दर्रा या पलकार गैप बोलते हैं, जिसका हमने जिक्र किया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।